बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। इस वाले रूम को अभी स्टूडियो की शक्ल देनी है और ये वाली जगह जो कॉर्नर, इधर इंशाल्लाह हम स्टूडियो बनाएंगे, एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाएंगे। और जो भी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ होगी या कुछ बातें जो मेरे और आपके दरमियान होंगी, उसमें कुछ इंस्टाग्राम लाइव्स हो जाएंगे, लाइक ही टिकटॉक लाइव्स जो भी होंगे वो इस जगह पर हम किया करेंगे। और इंशाल्लाह उसका एक टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम में हम ज़रूर लाइव आया करेंगे। जितने भी सोशल मीडिया पर लाइव सेशन होगा वो इंशाल्लाह इसी जगह पे हुआ करेगा, ज़्यादातर इसी जगह पे हुआ करेगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप तो चाहिए, तो वो एक दो दिन तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह कल कोई तरतीब बना के इसको एक दफ़ा सेट करते हैं और बाद में साथ साथ आपको भी वो दिखाएँगे। अभी मुझे लंच बनाना है, क्योंकि लंच सर ने भी करना है, तो मैं जल्दी से उसकी तैयारी कर लेता हूँ। माल्टा लेके मैं साथ ही आ गया हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है काम, जो कि भाई ने मेरे जुम्मे लगा दिया। माल्टे का सीन ये है कि एक मेरे बेड पे पड़ा हुआ है तकरीबन 3-4 दिन से, वो मैंने नहीं खाया, तो ये भी मैंने रख लिया था। मैंने कहा चलो खाएँगे, लेकिन रहता रहता रह जाना था, तो मैंने भी इसको साथ लिया है, इसको भी खाएँगे। ठंडा हो गया काफ़ी। दूसरा है शायद फिर नाश्ता भी ना करना पड़े, तो ये बेस्ट है। भाई तो काफ़ी देर से चले गए हैं, लेकिन मेरा टाइम अभी हुआ है और उनको मैंने फ़ोन किया था, बोल रहे हैं कि चलो अभी आप निकल जाओ। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है, नमाज़ के लिए भी यार रेगुलर होना है। इतना कोई सुस्त बंदा हूँ मैं कि बहुत बड़ा गुनाह है ये, लेकिन हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि नमाज रेगुलर पढ़ें। रात का मेरे हाथ पे थोड़ा मसला बना हुआ, मेरा हाथ जल गया था रात स्टीम से, क्योंकि बिरयानी को दम लगाया हुआ था जब मैंने खोला, तो मुझे पता नहीं चला, तो काफ़ी जलन हो रही है अभी। खैर अभी हम जा रहे हैं अलबेग पे कुछ खाने को लेने के लिए, क्योंकि आज जुमे रात है और सबकी जिद फिर कायम थी कि हमें कुछ खाना है। मैं तो बागी हूँ, लेकिन इन्होंने फिर मुझे मजबूर कर दिया, तो अभी हम जा रहे हैं। मेरे साथ है मोहसिन, देखते हैं कि उधर रश है या क्या सीन है। जुमे रात को तो रश बहुत ज़्यादा होता है, और खैर मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, यही जाएगा, और इसको इंतज़ार भी करना पड़ेगा लाइन में खड़ा होके, और मुझे ये आज एडवांटेज हो, आज ये बंदा जाएगा। से इसने मेरे साथ आना नहीं था, इसको था फ्लेवर चाहिए, शीशा जो पीते हैं ये। मुझे तो एलर्जी बहुत और गुस्सा भी बहुत आता है इन पर, लेकिन ये लाजमी तकरीबन 2 दिन बाद पीते हैं, तो इसको फ्लेवर चाहिए था, तो लेने के लिए मेरे साथ आ गया। तो आज इसको अलबेग पे भी मैं खड़ा करूंगा रश में। मोहसिन अभी आया था और बोल रहा है कि 10 मिनट और लगेंगे, तकरीबन आधा पौना घंटा में, पौना घंटा में पहले हो गया और 10 मिनट मज़ीद लगेंगे। फ़िश तो हर तकरीबन होटल की खाई है, लेकिन जो फ़िश नगर्स अलबेग के ना, इनका कोई जोड़ नहीं है। अलबेग खाने के बाद ये लेट रहा है इधर, और फेसबुक मैसेजिंग में मसरूफ़ है, और ये वाला शीशा पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये इसने पिया अभी, नहीं बाज आया। काफ़ी मुझे तो अजीब लगता है, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे पी लेते हैं, और कोरोना का दौर है और ये सब मुंह में लेके पीते हैं। खैर आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा होगा, उस पर जाकर ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।